नवाज और जरदारी खानदान का कोई मुस्तकबिल नहीं। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि जरदारी कौम की बात करें तो हंसी आती है। पीपल्स पार्टी सियासी जमात नहीं बल्कि चोरों और ठगों का टोला है। माजी में माले मुफ्त की तरह मुल्क को लूटा गया। हम हालात बेहतर नहीं कर सके, शेख रशीद का एतराफ। बोले अपोजिशन अगस्त सितंबर में शोर शराबा करेगी। करने वाले नए कानून में तरमीम चाहते हैं। इमरान खान यूटिलिटी स्टोर्स आटा समेत को मुआफ नहीं करेंगे। सूबे के आवाम की खिदमत हमारा मिशन है। अफवाहें फैलाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गवर्नर चौधरी सरवर से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर ने कहा कि हुकूमत के तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफे पर हैं। रुकने कौमी असम्बली रुमीना खुर्शीद आलम की इस्लाम कबूल करने के बाद पहली ईद। नौ मुस्लिम खातून रुकन असम्बली ने हमवतनों को ईद की मुबारकबाद दी। कहती है इस्लाम कबूल करने और मुसलमान बनने का ये सफर इंतहाई खूबसूरत है। रुमीना खुर्शीद के ट्वीट पर सोशल मीडिया सार्फीन की जानिब से भी मुबारकबाद के पैगामात का तांता बन गया। रॉजर फेडर ने इटली की दो लड़कियों का ख्वाब पूरा कर दिया। रॉजर फेडर ने लड़कियों के साथ टेनिस खेली, ऑटोग्राफ भी दिया। अचानक मुलाकात पर लड़कियां हैरान। लॉकडाउन के दौरान छत पर टेनिस खेलती वीडियो वायरल हुई थी। जापान में लॉकडाउन खत्म होने पर जिंदगी बहाल होने लगी। पांच माह बाद रवायती थिएटर खुल गए, जहां फनकारों ने फन का मुजाहिरा किया। एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए हॉल आधा खाली रहा। शहरियों का थिएटर खुलने पर खुशी का इजहार। तुर्की में बैले डांस ने ईद की शाम को रंगीन बना दिया। इस्तांबुल में मकामी लोगों और पाकिस्तानी कम्युनिटी का पासपोस्टोर लजीज खानों और दीगर सरगर्मियों ने ईद की शाम का हुस्न बढ़ा दिया। की अदायगी के बाद शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए कब्रिस्तान का रुख कर लिया है। शहर कब्रिस्तान में अपने प्यारों के लिए फातिहा खानी कर रहे हैं और कब्रों पर फूल डाल रहे हैं। इस पर बात करते हैं कब्रिस्तान में मौजूद नुमाइंदा 92 न्यूज खावर मुगल से। खावर मुगल, कहिएगा जब वो कब्रिस्तान में गए, दूसरी जानिब हमने ये देखा है कि इससे पहले कब्रिस्तानों को भी बंद कर दिया गया था इस वजह से कि SOPs के तहत खोले जाएंगे, तो क्या अब SOPs का ख्याल रखा गया? जी बिल्कुल, ईद की नमाज़ अदा करने के बाद शहरियों की एक बड़ी तादाद कब्रिस्तान का रुख करती है। अपने जो बिछड़े हुए प्यारे हैं उनको मिलने के लिए कब्रिस्तान आती है। मैं इस वक्त लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहब में मौजूद हूं। यहां पर भी शहरियों की एक बड़ी तादाद आ रही है, कब्रों पर फूल चढ़ा रही है, फातिहखानी कर रही है, पानी लगा रहे हैं, कब्रों को साफ़ किया जा रहा है, उनकी मगफरत के लिए दुआएँ की जा रही हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जान लेते हैं। अच्छा बताइएगा, हम देख रहे हैं कि आपके साथ बच्चे भी आए हैं और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि ईद और जिस तरह का कोई त्यौहार होता है कि लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आती है, इसकी क्या वजह है? जो अपने बिछड़ जाते हैं उनसे मिलने का तो बहुत ज़्यादा दिल करता है, मगर क्योंकि उनसे ईद नहीं मिल सकते इसलिए अपने जो जिंदा हैं उनसे मिलने से पहले हम इन लोगों के पास आते हैं कि ये यहाँ पे इनके पास कोई भी नहीं है, ताकि हम अपना दिल हल्का कर सकें। और ये ऐसा मौका है जब हम उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। दुआएं अल्लाह से कि अल्लाह सबके जो बिछड़ गए हैं अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि ये ईद की नमाज़ अदा करने के बाद पहले अपनों जो ज़िंदा हैं उनसे मिलने से पहले बल्कि कब्रिस्तान का रुख करते हैं और यहाँ पर जो इनके प्यारे बिछड़ चुके हैं उनसे मिलते हैं और यहाँ पर आकर फातिहखानी की जाती है। जी बहुत शुक्रिया खबर मुगल। नाज़रीन, कराची में बड़ों ने नमाज की अदायगी के बाद जानवर कुर्बान करने की तैयारियाँ की, तो बच्चों ने गुब्बारे और खिलौने खरीद लिए ताकि दिन भर हल्ला गुल्ला कर सकें। मजीद जानते हैं रुमाइंदा 92 न्यूज इब्राहिम ब्रेंड से। इब्राहिम, बताइएगा बच्चे किस तरह से ईद को एंजॉय कर रहे हैं?
जी देखिए बिल्कुल ईद उल अज़हा के पहले रोज़ ही मुख्तलिफ इलाकों में जो है रश लग चुका है, बच्चे बड़े तमाम लोग इंजॉय कर रहे हैं, ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, मुख्तलिफ गलियों में ईद उल अज़हा की कुर्बानियाँ जारी हैं, जबकि लियाकताबाद पुल के नीचे बड़ी तादाद में गुब्बारे बेचने वाले अफराद मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनाजिर में कि बच्चे बड़े सब गुब्बारे खरीद रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली भी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनकी बच्चों की क्या फरमाइश है। इनकी यही फरमाइश है कि बस यहाँ आएंगे तो रश इतना हो रहा है, गाड़ियाँ जाम हो रही हैं, बस बोले बलून चाहिए, एक को दिला दिया, दूसरे वाले भी जिद कर रहे हैं, बस बाकी अभी घर जाएंगे, कुर्बानी वर्बानी की जानवर देखेंगे जाके कटे हुए। लॉकडाउन और कोरोना की वजह से मुख्तलिफ पार सीवी वगैरह बंद है, इस वजह से जो अवाम है और वालदैन उनको उनकी यही ख्वाहिश है कि बच्चों को उनकी पसंदीदा कलर जो है और गुब्बारे और जो दीगर उनकी फरमाइशें हैं वो उनके उनके घर पर ही पूरी की जाएँ। जी कराची से इब्राहिम रिंद हमारे साथ थे, आपका बेहद शुक्रिया। और ऐवान सदर में SOPs के मुताबिक नमाज ईद की अदायगी, सदर ममलिकत ने SOPs के मुताबिक ईद मिली और नमाज ईद और ईद मिलन के दौरान समाजी फासलों का भी ख्याल रखा गया। वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर पूरी पाकिस्तानी कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़ुलहज का महीना कुर्बानी, इताअत, खैर खाई और नज़्म व ज़ब्त सिखाता है। ये मनाज़र आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से SOPs का ख्याल रखते हुए ईद भी मिली और ईद की नमाज़ भी अदा की है। ऐवान सदर में SOPs के मुताबिक नमाज ईद की अदायगी की गई। सदर ममलिकत ने SOPs के मुताबिक ईद मिली, नमाज ईद और ईद मिलन के दौरान समाजी फासलों का ख्याल भी रखा गया। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि ये ईद की नमाज़ अदा करने के बाद पहले अपनों जो ज़िंदा हैं उनसे मिलने से पहले बल्कि कब्रिस्तान का रुख करते हैं, और यहाँ पर जो इनके प्यारे बिछड़ चुके हैं उनके उनसे मिलते हैं और यहाँ पर आकर फातिहा खानी की जाती है। जी बहुत शुक्रिया खबर मुगल। नाज़रीन, कराची में बड़ों ने नमाज की अदायगी के बाद जानवर कुर्बान करने की तैयारियाँ की, तो बच्चों ने गुब्बारे और खिलौने खरीद लिए ताकि दिन भर हल्ला गुल्ला कर सकें। मजीद जानते हैं रुमाइंदा 92 न्यूज इब्राहिम ब्रेंड से। इब्राहिम बताइएगा बच्चे किस तरह से ईद को एंजॉय कर रहे हैं। जी देखिए बिल्कुल ईद उल अज़हा के पहले रोज़ ही मुख्तलिफ इलाकों में जो है रश लग चुका है, बच्चे बड़े तमाम लोग इंजॉय कर रहे हैं, ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, मुख्तलिफ गलियों में ईद उल अज़हा की कुर्बानियाँ जारी हैं, जबकि लियाकताबाद पुल के नीचे बड़ी तादाद में गुब्बारे बेचने वाले अफराद मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनाजिर में कि बच्चे बड़े सब गुब्बारे खरीद रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली भी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनकी बच्चों की क्या फरमाइश है। इनकी यही फरमाइश है कि बस यहाँ आएंगे तो रश इतना हो रहा है, गाड़ियाँ जाम हो रही हैं, बस बोले बलून चाहिए, एक को दिला दिया, दूसरे वाले भी जिद कर रहे हैं, बस बाकी अभी घर जाएंगे, कुर्बानी वर्बानी की जानवर देखेंगे जाके कटे हुए। लॉकडाउन और कोरोना की वजह से मुख्तलिफ पार सीवी वगैरह बंद है, इस वजह से जो अवाम है और वालदैन उनको उनकी यही ख्वाहिश है कि बच्चों को उनकी पसंदीदा कलर जो है और गुब्बारे और जो दीगर उनकी फरमाइशें हैं वो उनके उनके घर पर ही पूरी की जाएँ। जी कराची से इब्राहिम रिंद हमारे साथ थे, आपका बेहद शुक्रिया। और ऐवान सदर में SOPs के मुताबिक नमाज ईद की अदायगी, सदर ममलिकत ने SOPs के मुताबिक ईद मिली और नमाज ईद और ईद मिलन के दौरान समाजी फासलों का भी ख्याल रखा गया। वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर पूरी पाकिस्तानी कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़ुलहज का महीना कुर्बान